कानपुर में एक परिवार ने महामंडलेश्वर निर्वाणी अखाड़ा प्रखर जी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रखर जी महाराज पर युवती को जबरन आश्रम में रखने का आरोप लगा है और आरोप है कि प्रखर जी महाराज ने युवती को तंत्र मंत्र कर अपने वश में कर लिया। पिछले 2 साल से युवती उनके आश्रम में रह रही है और परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि परिजन युवती से फोन पर भी बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे में युवती के परिजनों ने राज्य महिला आयोग के सदस्य को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। जी मेरी बेटी का मामला है, प्रखर जी महाराज उसे साधु बनाकर अपने साथ ले गए। मैं अपनी बेटी को उनके निकालने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि वो मेरी मदद करें, मेरी बेटी को मेरे हवाले करें। जी वो प्रखर महाराज यहाँ कानपुर में काफी समय से रह रहे हैं। उन्होंने गंगा बैराज पे एक यज्ञ भी किया था और एक कोई स्कूल भी बना रहे हैं गंगा बैराज पे, PPM पब्लिक स्कूल, जिसका वो बताते थे कि 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मेरे पास अभी मामला है, अर्चना अग्रवाल जी आई है हमारे पास में और इनकी बेटी, इनका कहना है कि हमारी बेटी, चूंकि हम लोग उनके आश्रम जाते आते रहते थे, उनको गुरु मानते थे और उन्होंने इसी का फायदा उठाकर हमारी बेटी को, उन्होंने कहा कि इसको भेजो, हमारा स्कूल बन रहा है, वहाँ का कार्य देखेगी। मैंने उनके गुड फेथ में उनको भेजा अपनी बेटी को, लेकिन वो वहां से हमारी बेटी को सीधे आश्रम ले गए और उसको बाल लाल कटवा के, उसको अपने कपड़े उतरे हुए पहना के उसको रखा हुआ है। उसके ऊपर कह रहे हैं ब्रेन वॉश भी उन्होंने कर दिया है। और ये महिला का कहना है कि मतलब हमारी बेटी हमको किसी भी हालत में मिले और वो बेचारी बहुत रो रही है। हमने इसको दोनों लोगों ने संज्ञान में लिया है, मैंने और रंजना जी ने, और हमारे शिवाजी बैठे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि हम इसको कमिश्नर साहब को भेज रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।